आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से किनारा कर रखा है, जिसके चलते उनका मैच फिनिश करने का अंदाज, डीआरएस लेने की कला और नाजुक पलों में सटीक फैसले लेने की कला, इन सभी चीजों की टीम इंडिया को काफी कमी खल रही है। ऐसे में उनकी जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी तैयार किया जा रहा है, मगर वो अपने टैलेंट के अनुसार टीम के लिए खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इस तरह धोनी की जगह टीम में लेने के लिए पंत योग्य है, ये कहना भी उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट मैदान से इतर टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन कूल धोनी ने शायद मैदान में वापसी करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते वो एक बार फिर मैच फिनिशर के तौर पर नजर आ सकते हैं। नंबर 6 पर बल्लेबाजी का अनुभव रखने वाले धोनी ने कहा, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। अगर मैं नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहा हूँ और 15 गेंद खेलता हूँ तो मुझे पता है कि क्या मैं 25-30 रन बना सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा और उत्कृष्ट प्रदर्शन है, लेकिन एक ही समय में कई बाधाएं भी हो सकती है। वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी के पास एक बेहतरीन क्रिकेट मास्टरमाइंड भी है, जिसके चलते मैच में जब नाजुक पल आता है उस समय में कैसे काम करना होता है, इस बारे में भी धोनी ने बताया। धोनी ने कहा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पहले जो नियंत्रण में है उन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, आपको इस पर काम करना होगा और सफल होने के लिए प्रक्रिया बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि धोनी ने बता दिया कि कैसे बेहतरीन फिनिशर बना जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।